इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अवैध धर्मांतरण से जुड़ा मामला यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। धर्मांतरण में 34 करोड़ रुपए का हुआ प्रयोग। कुलपति निदेशक को कोई भी राहत देने का विरोध। विदेशी फंडिंग का भी हुआ खुलासा। विदेशी फंडिंग से 34.5 करोड़ का हुआ प्रयोग। विनोद बिहारी लाल, राजेंद्र बिहारी लाल की बड़ी मुश्किलें। दोनों पर हिंदू मुस्लिम का धर्मांतरण कराने का आरोप। जबरन लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया। अमेरिका, जापान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया से फंड मिला था। कनाडा, जर्मनी, इराक समेत कई देशों को मिला था। यूनिवर्सिटी के अस्पताल कर्मचारी भी थे शामिल। अस्पताल में भर्ती मरीजों का धर्म परिवर्तन कराते थे। ईसाई धर्म प्रचारक बनने का पर 25,000 वेतन बोनस। पूछताछ में पादरी ने धर्म परिवर्तन कराने की बात कबूली। स्वार्ड्स कुलपति की भी है संलिप्तता। वहीं इस मामले में अब आरबी लाल चल रहे फरार। अतीक के बेटे अली से जुड़ी खबर। नगर निकाय चुनाव में अतीक के जेल में बंद बेटे अली अहमद के नाम पर चिट्ठी वायरल होने का मामला। चुनाव आयोग से की गई मामले की शिकायत। चुनाव आयोग में एक याचिका दाखिल की गई। चिट्ठी को फर्जी बताकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। दावा यह किया गया है कि समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए अतीक अहमद के बेटे के नाम से जारी की गई चुनावी अपील। चुनाव आयोग से चिट्ठी तैयार करने और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि अतीक अहमद का बेटा अली अहमद तन्हाई बैरिक में बंद है। उमेश पाल शूट आउट केस के बाद जेल में उससे किसी ने मुलाकात भी नहीं की है। सिर्फ एक बार उसके वकील इंटेलिजेंस की मौजूदगी में जेल में मिले हैं। अपील पर ना तो दस्तखत है और ना ही तारीख दी गई है। इसके अलावा पीछे अपील छापने वाले किसी भी प्रिंटिंग प्रेस का नाम भी नहीं दिया गया है। निकाय चुनाव में प्रयागराज में हुए मतदान के दौरान अतीक अहमद के बेटे के नाम से जारी हुए इस अपील का ज़बरदस्त असर दिखाई दिया। मुस्लिम वोटरों ने इस चिट्ठी को लेकर चर्चा तो होती रही। इस चिट्ठी को आधार बनाकर तमाम बूथों पर बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटरों ने समाजवादी का बायकॉट किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कांग्रेस, बीएसपी, एमआईएम, आम आदमी पार्टी को वोट दिए। चिट्ठी के चलते समाजवादी पार्टी को प्रयागराज में बहुत बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान आशंका पहले ही हो गई थी। पार्टी नेताओं ने इसी वजह से पहले ही दो वकीलों के जरिए चुनाव आयोग को पहले से ही याचिका दाखिल करा दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील कमल किशन राय और रमेश कुमार की तरफ से चुनाव आयोग में दाखिल की गई थी याचिका। याचिका पर चुनाव आयोग जल्द कर सकता है सुनवाई। प्रशासन को सौंपी जा सकती है इसकी जाँच। संगम नगरी प्रयागराज में 1910 में इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के तौर पर स्थापना हुई थी। 1942 में इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भारत का सबसे पहला इंस्टीट्यूट बना जहां एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में डिग्री मिलती थी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की शुआर्ट्स में फर्जी तरीके से नियुक्ति की गई। जानकारी के मुताबिक इस यूनिवर्सिटी के चांसलर के परिवार के 22 लोग के यहाँ नियुक्ति की गई। यहाँ नौकरी पाने वालों में यूनिवर्सिटी के चांसलर, उनकी पत्नी, बेटा, उनका भाई भतीजा भी शामिल हैं। वहीं यूनिवर्सिटी में नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने शिकायत दर्ज कराई थी। दर्ज शिकायत में कहा गया यहाँ 1 जनवरी 1984 से 1 जनवरी 2017 के बीच भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ है। यूनिवर्सिटी में हुए फर्जीवाड़े की शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने करवाई थी। अब इसकी रिपोर्ट आई है। स्पेशल टास्क फोर्स की जांच में पाया गया नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप सही। एसटीएफ सीओ नवेंदु कुमार ने इसे लेकर नैनी थाने में फरवरी में 2023 में एफआईआर दर्ज कराई थी। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर समेत 8 लोगों पर कुल एफआईआर हुई और जिसमें से 2 लोग को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। इस यूनिवर्सिटी का पूरा नाम सैम हिगनबॉटम्स यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस है। पहले इसे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट कहा जाता था। ये एक गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी है जो कि प्रयागराज में है। वैसे भी फर्जीवाड़े को लेकर अभी भी जाँच चल रही है। जी, आज कौन सा मुकदमा आप लोगों ने दर्ज किया है? मेरे द्वारा सीआरएस के खिलाफ करीब 4-5 महीने से 5 बिंदुओं पर जांच की जा रही थी। पहला आरोप इन पर यह था कि अल्पसंख्यक का दर्जा इन पर इनको प्राप्त है कि नहीं, इसकी जांच अभी जारी है, वो चल रही है। दूसरा आरोप ये था कि ये फर्जी एफिडेविट देकर
माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह किए हैं। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने एक जांच करके FIR दर्ज कराया है, जिसकी विवेचना CBI से हो रही है। तीसरा एक ये था कि यूनिवर्सिटी की जमीन को बिना परमिशन के, बिना किसी से अनुमति के हस्तांतरण कर ही नहीं सकते यीशु दरबार के लिए, इन्होंने ऐसा किया है। तो इस पर एक प्रशिक्षु DM साहब थे एन गणपति राजू साहब, उनके द्वारा जांच की गई, इसमें दोषी पाया गया, FIR दर्ज की गई और माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन हाईकोर्ट से प्रोसीडिंग स्टे है, उस पर तमाम कार्रवाइयां चल रही हैं। चौथा आरोप इन पर यह था कि इन्होंने अवैध नियुक्तियां की हैं और वित्तीय अनियमितता की है। इस पर जब जांच की गई तो ये सही पाया गया और इसको स्थानीय निधि लेखा परीक्षा निदेशक द्वारा इसकी जांच की गई, ऑडिट ने अपनी रिपोर्ट में इसको गलत पाया, उस पर मेरे भी जांच में गलत पाए गए, उस पर 2 FIR मेरे द्वारा कराया गया है इनके अगेंस्ट, 419, 420, 467, 468, 471, 60/13/4 निवारण अधिनियम, 409 की धारा, IPC की धारा इनके अगेंस्ट लगाई गई है। पांचवा आरोप ये था कि जब जनपद प्रतापगढ़ से ये लोग फर्जी नाम पते पर असलहे का लाइसेंस करा लिए थे और उसकी FIR हो गई थी, लेकिन उसमें 2-2 बार FIR लग गई है जो कि गलत है, उसको पुनर्विवेचना के लिए किया गया है, सारे साक्ष्य मिल चुके हैं और यही आरोप है। आज मेरे इन लोगों का अगेंस्ट 2 FIR कराया गया है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, अतीक अहमद की साजिश में हुई उमेश पाल शूट आउट केस में ठाकुर की एंट्री। उमेश पाल और उनके दोनों सरकारी गनों की हत्या में ठाकुर की भी थी अहम भूमिका। ठाकुर ने ही वारदात में इस्तेमाल किए गए सभी आईफोन क्लाउड ID बनाई थी। ठाकुर को भी एक आईफोन दिया गया था, सभी आईफोन पर FaceTime ऐप की अलग ID बनाई गई थी। अतीक अशरफ साहिस्ता वारदात में शामिल शूटरों व साजिश रचने वाले लोगों में FaceTime ऐप के जरिए ही आपस में बातचीत होती थी। धूमनगंज थाने में मामला दर्ज हुआ है। अतीक अहमद के चौथे नंबर के नाबालिग बेटे आजम को भी आईफोन दिया गया था, उसी ने FaceTime ID सभी क्रिएट की थी। अतीक अहमद का ये नाबालिग बेटा उमेश पाल शूट आउट केस के बाद बाल संरक्षण गृह में है। लावारिस हालत में पाए जाने और नाबालिग होने की वजह से आजम और अबान को यहाँ बाल संरक्षण गृह में दाखिल कराया गया था। अतीक अहमद के चौथे नंबर के बेटे नाबालिग आजम ने FaceTime पर अपनी ID ठाकुर नाम से बनाई थी। ठाकुर 008@icloud.com के नाम से आईफोन पर आजम की FaceTime ID बनाई गई थी। ठाकुर के किरदार का रहस्य उजागर होने वाले एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स हैं। एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अतीक अहमद की FaceTime ID बड़े 006 और अशरफ की ID छोटे 007 कोड वर्ड बनाई गई थी। इसी तरह से अतीक के वकील खान सौलत हनीफ की FaceTime ID एडवो 010 के नाम से थी। सूत्रों के मुताबिक ठाकुर कोड वर्ड से ID बनाने वाला अतीक के चौथे नंबर का बेटा आजम उमेश पाल को गब्बर कहता था। फिल्म चोले के कई किरदारों से बेहद प्रभावित था आजम अहमद। आगे की जांच में अतीक के चौथे नंबर के बेटे नाबालिग आजम अहमद को भी पुलिस आरोपी बना सकती है। आने वाले दिनों में अतीक फैमिली के एक और शख्स का शिकंजा कसा जाना लगभग तय माना जा रहा है। यूपी के प्रयागराज में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद अशरफ हत्याकांड से जुड़ी खबर, मामले के जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की टीम पहुंची प्रयागराज। अतीक अशरफ हत्याकांड के घटना स्थल कॉर्बिन हॉस्पिटल पहुंचकर कर रही जांच। दूसरी बार प्रयागराज पहुंची न्यायिक आयोग की टीम, जांच कमेटी 5 सदस्यों की टीम शामिल, जिसमें मुख्य न्यायमूर्ति इलाहाबाद हाईकोर्ट दिलीप बाबा साहेब भोसले, रिटायर जस्टिस अरविंद कुमार ब्रिजेश सोनी, रिटायर IPS ब्रिजेश कुमार सुबेश कुमार सिंह शामिल हैं। 20 दिन पहले भी किया था प्रयागराज शाहगंज इलाके के कॉल्विन हॉस्पिटल घटना स्थल की जांच। आयोग टीम ने पुलिस से किए कई अहम सवाल, उस दिन मौके पर मौजूद धूमनगंज SO राजेश मौर्य से भी पूछे कई सवाल। आयोग की टीम ने आला अधिकारियों से ली जानकारी। पुलिस ने आयोग के सामने उस दिन की घटना को दोहराया। आयोग की टीम ने उस दिन की घटना के समय मौके पर मौजूद लोगों से भी कर सकती है कई अहम सवाल और पूछताछ। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर BJP कार्यालय में केक काटकर जश्न मनाया गया, जहां पर महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी ने केक काटकर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का जन्म मनाया। इस मौके पर कई विधायक सांसद और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
एक दूसरे को केक काटकर बधाई दी गई, तो साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की कि वे देश की सेवा में और आगे बढ़ें। और क्या कुछ कहना था महानगर अध्यक्ष, आइए दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के उप मंत्री और प्रयागराज के लाल आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी के जन्म दिवस के पूर्व संध्या पर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर प्रयागराज महानगर के सभी कार्यकर्ताओं के संग केक काटकर हृदय से उन्हें शुभकामनाएं दिया जा रहा है। सभी कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित हैं, हर्षित हैं। उनका जन्मदिवस लोक कल्याण की कामना से प्रभावी रूप से मनाया जा रहा है और ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है उन्हें और शक्ति प्रदान करें और ऊर्जा प्रदान करें ताकि प्रदेश की जनता की और मनोयोग से वह सेवा कर सके, वह निरोगी रहे, सतायु रहे और हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते रहे, इस उम्मीद के साथ ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है। उनके जन्मदिवस पर हम सभी कार्यकर्ता चुनाव जीत करके उन्हें बधाई के स्वरूप पेश किया जाएगा, क्योंकि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं संग उन्होंने भी बहुत परिश्रम किया है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज, जहाँ दो दिन पहले मौसम ने तेज आंधी के साथ दस्तक दी थी और मौसम सुहाना हुआ था, तो वहीं दो दिन बाद फिर से धूप ने अपना कड़ा रुख दिखाया है और साथ ही तेज गर्मी से अब लोग फिर से परेशान दिखाई दिए हैं। जहां सड़क किनारे लोग आम का पन्ना और गन्ने के जूस की दुकान पर भीड़ गर्मी से बचने के लिए दिखाई दी, तो सड़क पर लोग कम दिखाई दिए। ऐसे में बाजारों में ज़्यादातर सन्नाटा पसरा रहा और जगह जगह लोग सड़क किनारे धूप से बचते दिखाई दिए। गर्मी के कारण अब लोगों को फिर से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहां टेम्परेचर एक बार फिर से बढ़ा है और धूप की तापमान गर्मी की तपिश से लोग परेशान दिखाई दिए। बाज़ारों में लोग खरीदारी के लिए भी नहीं दिखाई दिए और ऐसे में जगह जगह सन्नाटा रहा, तो लोग चेहरे पर कपड़े बांध कर आते जाते दिखाई दिए। एक बार फिर से गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। संगम नगरी प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद जहां उमेश पाल के परिजनों ने कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी में मिला देने की बात कही थी, वहीं पिछले 15 तारीख को जहां अतीक अशरफ की हत्या कर दी गई, जिसके बाद अभी भी उमेश पाल के परिवार वालों को खतरा सता रहा है। ऐसे में घर से निकलने में डर लग रहा है उन्हें, अब शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम से जान का खतरा है। ऐसे में क्या कुछ कहा है उमेश पाल की माँ शांति देवी ने, आइए सुनाते हैं। बेटा मुस्लिम वो बमबाज गुड्डू और सीता परवीन ये दोनों फरार हैं और साथ में और दो मुलजिम हैं वो भी फरार हैं, अभी ये चार लोग फरार हैं। अब ये है कि इन लोगों को विदेशी काफ़ी मदद मिलती है, इनको लोगों को किसी चीज़ की परेशानी नहीं है, इसलिए ये लोग भागते भी हैं छुपते भी हैं। अब जब इनके पीछे प्रशासन इतनी परेशान हो रही है नहीं पकड़ पा रही, तो हम लोग तो घर में बैठे हैं। अब मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं, इतना बड़ा शासन उनके पीछे मददगिरी में लगा हुआ है, जिस दिन सफलता उनको मिल जाएगी उस दिन मुलजिमों को पकड़ लेंगे, कितने दिन फरारी काटेंगे। ये अभी तो अभी बेटा ये इसके बेटे और जेल में और बाहर हैं, सीता परवीन बाहर है, इसके गुड्डू बमबाज बाहर हैं, अभी इसके आधे गुंडे जो मेरे बेटे के मर्डर में शामिल थे आधे अभी फरार हैं। अब इनसे तो अभी डर है भाई, ये लोग भेष बदल करके कहीं भी आ जा सकते हैं, जैसे अभी मुन्नी पासीन का नाम आया भाई, भी यहाँ कितने भी होंगे भाई जो जिस लाइन में हैं, जो माफिया लाइन में हैं, उनको उसी से रोटी रोजी चल रही, तो उनके पक्षपात में रहेंगे। अब हम किनको चीन सकते हैं, किनको बता सकते हैं, तो हमको तो डर है और आगे भी डर है, इसलिए कि भाई वो हमारे बच्चे निकले हम निकले किसके ऊपर वो लोग वार कर दें। इस शांति देवी पाल। अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर, अतीक अहमद के वकील ने किया कई खुलासा। अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ की पुलिस कस्टडी रिमांड में हुई पूछताछ में कई चौंकाने वाली सनसनीखेज जानकारियां सामने आई है, जिसके कई डॉक्यूमेंट्स भी सामने आए हैं। इसके मुताबिक अतीक के जेल जाने के बाद उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन ही वसूली के साथ ही पैसे का लेन देन पूरा हिसाब खुद ही संभालती थी।
डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन ने पिछले साल 17 जून को सुधांशु श्रीवास्तव नाम के किसी शख्स से 1,68,00,000 रुपए लिए थे। इसी तरह अतीक के वकील खान सौलत हनीफ ने किसी काम के लिए शाइस्ता परवीन से पिछले साल 1 जून को 1,30,000 रुपए मांगे थे। पैसे के लेन देन की जानकारी पुलिस को सौलत हनीफ के पास बरामद हुए मोबाइल फ़ोन से हुई है। पुलिस ने रिकॉर्ड के तौर पर इन सभी के स्क्रीनशॉट्स अपने पास लिए हैं। डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक वकील खान सौलत हनीफ ने 24 फरवरी को उमेश पाल के कचहरी से निकलने की सूचना अतीक अहमद उसके बेटे असद को दी थी। सौलत हनीफ ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है कि अतीक के एक अन्य वकील ने वारदात से पहले उमेश पाल के कचहरी से निकलने की जानकारी अतीक व अशरफ को फ़ोन के ज़रिए दी थी। वकील विजय मिश्रा ने सौलत हनीफ की मौजूदगी में अपने मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट कॉलिंग के ज़रिए अतीक व असद को जानकारी दी थी। सौलत हनीफ के बयान के आधार पर आने वाले दिनों में विजय मिश्रा पर भी शिकंजा कसा जा सकता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उमेश पाल शूटआउट केस से पहले अतीक ने पुलिस इनकाउंटर में मारे गए अपने बेटे असद के जरिए सौलत हनीफ को एक पिस्टल व 3 कारतूस भिजवाए थे। अतीक ने सौलत की सुरक्षा के लिए पिस्टल भिजवाई थी। संगम नगरी प्रयागराज का नज़ारा है चौक इलाके का, जहां आप देख सकते हैं भीषण जाम लगा है और लोग परेशान हो रहे हैं। बता दें चौक इलाके में जहां दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किया होता है और जिसके कारण सड़कों पर जगह नहीं होती है, और दूसरी तरफ बाज़ारों में ई रिक्शे गलत रास्तों पर और गलत दिशा में जाते हैं, जिससे अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। कोतवाली क्षेत्र में सुबह से लेकर शाम तक लोग जाम से परेशान रहते हैं। ऐसे में जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिसके कारण लंबा जाम लगता है और लोग बाज़ार में आने वाले परेशान होते हैं। एकल दिशा मार्ग पर भी दोनों तरफ से ई रिक्शा आते जाते हैं, जिन पर पुलिस रोक लगाने में नाकाम है, और इस नाकामी के कारण यहाँ जाम की स्थिति समस्या उत्पन्न होती है, जिससे लोगों को घंटों परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोतवाली क्षेत्र में लगने वाले जाम से अब कब लोगों को निजात मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पुलिस की लापरवाही के कारण रोज यहाँ लगता जाम। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।